अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वापस आ चुकी हूँ यहाँ यूएई में। 5 डेज़ का लॉन्ग वीकेंड था, 49th नेशनल डे था, तो इसके वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी। और यहाँ पे ना बहुत अच्छा वेदर हो रहा है आजकल, मतलब बारबेक्यू वाला वेदर हो रहा है, और साथ में लॉन्ग वीकेंड भी पड़ गया तो हर कोई बारबेक्यू करने के लिए जा रहा था। और इस वीकेंड में हम लोग जहाँ भी गए थे वहाँ की मैंने वीडियोस बना ली थी, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि वॉइस ओवर करना होता है, वॉइस ओवर में टाइम लग जाता है, तो मैंने वीडियोस बना ली और मैं अब धीरे धीरे आप लोग के साथ व्लॉग सारे शेयर करूँगी एडिट करके। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। प्यारा व्यू लग रहा है, और कुरफकान हो गया, फुजैरा हो गया, और अलैन, ये सारी जगह जितनी भी है ना लॉन्ग ड्राइव और बारबेक्यू जाकर करने के लिए ना बेस्ट हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई थी, ये दोनों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में ये रोड बनाई हुई है इन्होंने, और 2-3 टनल्स भी बहुत लंबी लंबी थी, लॉन्गेस्ट मतलब टनल है यहाँ की एक, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे। तो इस तरीके के पहाड़ हैं, और जब बारिश होती है ना तो पत्थर गिरते हैं सब, तो बारिश में यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने ना बारबेक्यू करना स्टार्ट कर दिया था यहीं पर रोड पर। रश इतना ज़्यादा है ना आज रोड पे, लग रहा है सब लोग जो है कुरफकान जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ ना, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, यहाँ पे एक टनल अभी आने वाली है, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये जालियाँ लगाई हुई थी ताकि जो पत्थर है ना वो गिरे ना, तो उस प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इन्होंने जालियाँ लगाई हुई हैं, अच्छी चीज़ है। अब ये जो कार हमारी जा रही है, ये हमारी कार जा रही है टनल में, और बोर्ड पर इसका नाम आपको दिख जाएगा, और ये 5.5 मीटर की टनल है, लॉन्गेस्ट टनल है।
ये इन्होंने पहाड़ के अंदर एकदम भी, हम लोग पहाड़ के मतलब नीचे चल रहे थे, पहाड़ के अंदर चल रहे थे, और अभी प्लान में चेंज आ गया है। तो चेंज ये है कि शीज पार्क जब हम लोग पहुँचने लगे तो वो रोड बंद थी और वहाँ पुलिस नहीं जाने दे रही थी, तो बहुत अफसोस हुआ क्योंकि वीकेंड था और इतने टाइम के बाद हम लोग का प्लान बना था। खैर अभी प्लान बी की तरफ हम लोग आ गए हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं डैम। तो ये है डैम, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और अल रफीसा इसका नाम है डैम का, अल रफीसा डैम है ये। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और फिर यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे भी बारबेक्यू अलाउ नहीं है, जो उससे बहुत ही मूड ख़राब हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे बैठ के हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग घर से बिरयानी बना के लाए थे, तो बिरयानी और गाजर का हलवा फिर हम लोग नीचे जाके बैठे और खाया। और ये देखिए यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, बाकी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, साइड पे ना डक्स भी आ रही थी, लोग खाना ना डाल रहे थे। तो काफ़ी अच्छी जगह थी, बहुत ही प्यारा सा व्यू आपको जैसे कि दिख रहा है। तो काफ़ी फिर अजीब सा फील हो रहा था कि अब कहाँ जाएं, शीज पार्क नहीं जा सकते, डैम नहीं जा सकते। तो अब हम लोग का जो प्लान सी था उसकी तरफ हम लोग आ गए। सो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के बिरयानी खाएँगे, गाजर का हलवा खाएँगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी और 2:30 या 3 बज चुके थे, आई थिंक 2:30 बज रहे थे उस टाइम पे। और बस अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से खाना खाकर, और यहाँ पे आप व्यू इन्जॉय करिए, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। और अब हम लोग बिरयानी खा कर जा रहे हैं बारबेक्यू के लिए बीच की तरफ। और यहाँ पे ना, अच्छा जिस दिन की ये क्लिप्स है ना, उस दिन 2 दिसंबर था, यूएई नेशनल डे था, तो उसकी वजह से बहुत रश था और बाहर बहुत ज़्यादा रौनक थी, क्योंकि सारे डेकोरेशंस इन्होंने करी हुई थी बिल्डिंग्स पे, लाइट्स वगैरह लगी हुई थी। और ये फाउंटेन बहुत ही अच्छे लग रहे थे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे, मतलब वीडियो में तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप देख रहे थे ना उसी टाइम लाइव, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ये पूरे लाइन से लगे हुए थे। तो ये पूरी सिटी व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और शाम हो रही थी, लाइट सारी ऑन हो गई थी, एक तरफ पहाड़ थे, हमारी कार जा रही थी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो हम लोग का बारबेक्यू जो था वो तो हो नहीं पाया और हम लोग को भूख भी बहुत तेज़ लगना स्टार्ट हो गई थी फिर से। तो अभी हम लोग जाएंगे बीच की तरफ, और यहाँ पे हम लोग आ गए थे बीच की तरफ। जब हम लोग बीच की तरफ आए तो पता चला कि जो रोड थी वो पुलिस ने बंद करी हुई थी बीच की। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए कॉर्निश की तरफ, वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे भी बारबेक्यू नहीं हो रहा था। तो वो करते 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 हम लोग 7 या 7:30 तक हम लोग पहुँच गए एक बीच पर, ये पता नहीं कौन सा बीच है, मुझे नाम नहीं पता। तो इस बीच पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी, लोग यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे। और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, हम लोग ने पूरा सेटअप अपना कर लिया, अंगीठी सब जला लिए हम लोगों ने और अपने खाने का सारा निकाल लिया। सामने बीच था लेकिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, गर्मी हो रही थी। अच्छा ये जो क्लिप मैं आप दिखा रही हूँ ना, ये देखिए, ये चांद है जो कि ऑरेंज कलर का बहुत ज़्यादा ब्राइट निकला हुआ था। खैर यहाँ पे हम लोगों ने जो है सब कुछ कर लिया है, और क्योंकि मैंने आपको बताया नेशनल डे था, तो ये देखिए फायरवर्क्स भी हो रहे थे और ये जो कार पार्क्स आपको दिख रही ना, सब लोग अपनी लाइटें जलाए हुए और चटाई वगैरह सब लोग बिछा कर अपनी पिकनिक कर रहे थे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा मैंने क्या बनाया था वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बिहारी बोटी मैरिनेट बनाया था और मेरी फ्रेंड ने
चिकन टिक्का बनाया था और हरा चिकन बनाया था। तो यहाँ पे अच्छा हम लोग ना चाय का सामान भी लेकर गए थे, तो हम लोग ने कोयले पे चाय भी बनाई और फिर ये सारी चीज़ें इंजॉय करी। तो ये मज़े का खाना हम लोग का बन रहा है और ये देखिए मून कितना ब्राइट है, मतलब जो सीनरी वाला सीन नहीं होता है पानी पे लाइट पड़ रही होती है मून की, उसी टाइप का आज सीन हो रहा था यहाँ पे बीच पर। और ये देखिए फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि 49th नेशनल डे है यूएई का। तो आज का जो हमारा प्लान था माशाल्लाह वो सक्सेसफुल हो चुका है और हम लोग का बारबेक्यू बहुत टेस्टी बना था आज का। कल जो हम लोगों ने बारबेक्यू किया था वो इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन आज का बहुत मज़े का बना था। साथ में हमूस था, गार्लिक सॉस था, चाट मसाला था और खबूस था और हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय किया। और अभी भी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुझे भूख लगने लगी है देख कर जैसे हम लोगों ने खाया था ना, और इतना टाइम हो गया था ना, डेढ़ दो घंटे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करा है और हर रोड बंद हो गई थी, सारी रोड्स बंद थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। तो फाइनली हम लोग ने खाना इंजॉय करा खूब माशाल्लाह से और गरम गरम तंदूर से निकाल के बोटियाँ हम लोग ने खाई हैं हमूस और गार्लिक सॉस के साथ, और साथ में ऊपर से हमने लेमन डाला, चाट मसाला डाला और कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आई खाने में। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस क्योंकि रात हो चुकी है और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अपने अपने सब लोग घर चले जाएंगे हम दोनों लोग। और यहाँ पे ये देखिए नेशनल डे के वजह से लोगों ने कितनी ज़्यादा डेकोरेशन करी हुई है, बिल्डिंग्स में लाइट्स लगाई हुई हैं और फ्लैग लगाए हुए हैं।